हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ सवाल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं डिवाइड। तो डिवाइड का साइन होता है तो दोस्तों ये होता है डिवाइड। तो दोस्तों, मैं आपको शुरू के तीन नॉर्मल बताऊंगी और बाद के जो दो होंगे मैं आपको पॉइंट वाले सिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 5 एंड 5 के साथ मैं लेती हूँ 1, 0, 5। तो 5 के टेबल में 1 आता है, 5 के टेबल में तो 1 आता ही नहीं है। तो हम 5 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को हमें लेना है। हम अब 5 के टेबल में 10 आता है, कितने टाइम आता है? 2 टाइम आता है। 5 के टेबल में 5 आता है, कितने टाइम आता है? 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है। ओ, अब हम 10 को यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ पर हमें माइनस का निशान बनाना है। जैसे कि यहाँ पर है, वैसे हमें माइनस का जो निशान है, बस माइनस का निशान बनाना है और इसे माइनस कर देना है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, 5 को उतार देंगे नीचे। अब 5 के टेबल में 5 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे 1। तो 5 माइनस 5 होते हैं 0। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हम 5 के टेबल से करेंगे क्योंकि 5 ईजी होता है। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बड़े टेबल से करके दिखाऊंगी, ये अभी हम 2 एंड 5 से करके दिखाते हैं। ये 5 का टेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं छोटे छोटे डिवाइड सिखाऊंगी, अगली वीडियो में आपको बड़े बड़े डिवाइड सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2। तो 2 के साथ मैं ले लेती 2 के साथ मैं लूँगी 4, 6 एंड 8। तो 2 के टेबल में 4 आता है, ज़रूर आता है, 2 टाइम आता है 2 के टेबल में 4। तो यहाँ पर हम 4 को नीचे उतार लेंगे और यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। फिर हम 6 को नीचे उतारेंगे, तो हमने यहाँ पर 6 को नीचे उतार लिया। अब 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है? 3 टाइम आता है। तो यहाँ पर हम 6 को उतार के भी क्रॉस कर देंगे। अब हम उतारेंगे 8। 8 2 के टेबल में आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। एंड अब हम यहाँ पे 8 को उतारेंगे, 8 4 टाइम आता है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है। अब 8 माइनस 8, तो क्रॉस। हमारा सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोटा सा क्रॉस लगा दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ख़त्म हो चुका है अब। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए, 4 वन ज़ा 4, तो 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 8 आता है। हमें कोई भी बड़ी संख्या नहीं लेना है, हमेशा छोटी संख्या लेना चाहिए ताकि उससे ईजिली डिवाइड हो जाए। मतलब बड़ी संख्या इसमें लेते ही नहीं है, हमेशा छोटी संख्या लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4
फोर आता है वन टाइम, अब इसे माइनस करते हैं, आंसर थ्री है। अब हमने यहाँ पे टू उतारा तो हो गए 32। अब 32 फोर के टेबल में एट टाइम आता है, तो हमने यहाँ पर एट लिख दिया और 32 माइनस 32 क्रॉस। अब एट फोर के टेबल में टू टाइम आता है, तो हमने यहाँ पर एट लिख दिया, एट माइनस एट क्रॉस। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। तो इस तरह हम करते हैं डिवाइड। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट के दो क्वेश्चन मैं आपको पॉइंट वाले बताने वाली हूँ, तो देखते हैं पॉइंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको दो क्वेश्चन बताने वाली हूँ पॉइंट लगने वाले, तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा टू ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 105। तो टू के टेबल में 10 आता है 5 टाइम आता है, तो हमने यहाँ पे तो क्रॉस कर दिया, पर यहाँ पर जो 5 उतरा है, 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, तो हम कर देंगे, अब हम लगाएंगे पॉइंट। यहाँ पर मैं लगा देती हूँ पॉइंट और यहाँ पर मैं 0 लगा देती हूँ, तो ये हमारा पॉइंट होता है। यहाँ पर एक पॉइंट लगा और हमारी जो संख्या है उसके पास एक 0 लगा, 2 के टेबल में 50 आता है। टू के टेबल में 50 तो आता है, 15 सा होता है 30, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 30। अब यहाँ पर बचे तो 215 सा, यहाँ पर मैं 15 भी लिख देती हूँ, तो अब हमारे बचे हैं 20, तो 210 सा 20, तो यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 10। और ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया है। तो ये था हमारा पॉइंट वाला बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन। तो अब हम पॉइंट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस मैं आपको अभी छोटे छोटे पॉइंट वाले बता रही हूँ, मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बड़े बड़े बताऊँगी। तो गाइस हमारा दूसरा क्वेश्चन है डिवाइड का, हम पॉइंट वाला दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। तो गाइस 2 1 2, अब यहाँ पर आ गया 3, 2 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 तो आता है, 2 1 2, अब बचा 1 और यहाँ पे आ गया 17। अब हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो टेबल है 2 का, 2 के टेबल में 17 तो आता ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो 2 के टेबल में उससे छोटा तो आता है, एट टाइम आता है 16, तो अब हमारा हो गया है 1, अब लगेगा पॉइंट। वैसे कुछ कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर हम लगाएंगे पॉइंट। अब हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पर लग जाएगा 0, तो 2 5 10, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म। तो गाइस अगर आपको मेरे ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।